हाथ की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मैं आपका दोस्त विष्णु स्वरूप बिहार की माटी से। इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज दलसिंह सराय में सोनम आर यादव के साथ हूँ, उसके पिता आरवी यादव के साथ हूँ। सोनम आर यादव यह ऐसा नाम है जो फेसबुक और यूट्यूब पर बिल्कुल धूम मचा के रखा हुआ है। हजारों गाने, सैकड़ों एल्बम और लाखों में इसके फॉलोअर्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। सोनम आर यादव उम्र मात्र 15 वर्ष, 7वीं कक्षा की छात्रा है, लेकिन एक ऐसी जटिल और एक ऐसा विशद प्रतिज्ञावद है जिसे सिर्फ गाने गाने और गाने की ही ललक है। यह धुन है जो इसे बहुत ऊपर तक ले जाना चाहती है, यह लगन है जो इसे बहुत ऊपर तक ले जाना चाहती है। बात करेंगे सोनम आर यादव और उनके पिता आरवी यादव से। सर आपका स्वागत है। पहले तो जितना भी दर्शक है इस न्यूज को देखने वाले सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। आरवी यादव, तो मैं एक छोटी सी गांव जिला समस्तीपुर और गाँव दलसिंह सराय से हूं और फिलहाल मुंबई में रहता हूं और मेरी बच्ची सोनम है वो भी मुंबई में रहती है। 2008 से जब 3 साल की थी तभी से वो दलसिंह सराय से मुंबई गई थी और वहीं पे उसका एडमिशन कराया स्कूल में, वहीं पे पढ़ाई लिखाई सब करती है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, बिल्कुल गरीब परिवार से, और मेरा सपना है कि सोनम संगीत के क्षेत्र में नाम रोशन करे, मेरा और साथ में अपने गाँव का, अपने ज़िला का, अपने स्टेट का और अपने देश का। तो मेरा यही सपना है और मेरी एक ही बच्ची है सोनम आर यादव, तो मैं चाहता हूँ कि ऊँचे से ऊँचे मंच पे गाए और मेरा सपना एक है और मैं चाहता हूँ उसको आगे बढ़ाने के लिए और अपने मेहनत मजदूरी कर करके मुंबई में मैं एक एक करके एल्बम जो है जिसका बना बना करके मैं इस संगीत की दुनिया में लाया हूँ। और जो है से सोनम का पहला एल्बम आया था माइक, सोनम एल्बम माइक के दरबार, और बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद दिए कि सोनम गाना गाए, क्योंकि आपकी भी इच्छा वही है जो सोनम की इच्छा है। यह भी चाहती है कि मैं गायकी की दुनिया में नाम करूं और आप भी चाहते हैं कि यह गाना गाए, तो ऐसे दोनों पिता पुत्र की इच्छा एक साथ ऐसे कैसे होगी? मेरा सर एक यही सपना है कि मेरा धन संपत्ति कुछ बनाना नहीं है, मेरा यही सपना है कि दो लड़का है मेरा और एक लड़की सोनम है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा बने, क्योंकि मैं बचपन से बहुत तकलीफ काटा हूँ। बचपन में पिताजी गुजर गए जब 12 साल के थे और मैं बहुत सारा समझिए बहुत परेशानी में थे, बहुत परेशानी झेला हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसे मेरा बच्चा ऐसे ही झेले। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ बने, तो मैं सोच रहा था ऐसे कि मैं बच्चे को जरूर कुछ पढ़ा लिखा के बनाऊंगा, लेकिन इसको मन में आया कि मैं संगीत की दुनिया में जाना चाहती हूँ और गायकी करना चाहती हूँ। तो मैं बोला ठीक है, गायकी करना उतना आसान बात बेटा नहीं है, बहुत सारा मेहनत उसमें करना पड़ता है। तो सोनम बोली कि नहीं पापा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ जितना करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है बेटा, एक किसका फेसबुक आईडी में बना दिया और मैं बोला एक काम कर, लाइव आ बेटा, इस पर अगर पब्लिक अगर प्यार मिला, अगर रिस्पॉन्स आया तो उसके बाद तुम आगे करना। पिता और पुत्री के एक ऐसे संघर्ष की कहानी है यह, जिसमें पिता बरसों पहले महाराष्ट्र में एक सेवा के लिए एक नौकरी की तलाश में जाते हैं और पुत्री उनकी सोनम जो बड़ी पुत्री है 2
पुत्र हैं छोटे छोटे, वो भी थाने जिला में रह रहे हैं अपने पिता के साथ, वहीं पर उसकी पढ़ाई भी होती है। और अभी वर्तमान में 7वीं कक्षा की छात्रा है जो लॉकडाउन के कारण 8वीं में जाने का और एडमिशन लेने का इंतज़ार कर रही है। इसके संघर्ष की बड़ी दिलचस्प कहानी है जो पिता आरवी यादव आपको सुना रहे थे। उनका यह भी कहना है कि फेसबुक एक पहला माध्यम हुआ था जिस पे उन्होंने एक आईडी बनाया और उस पे एक लाइव गाना सोनम का आया। सोनम का वो लाइव गाना क्या था वो हम तो मेरे पापा ने फेसबुक बनाए और बोले कि बेटा तू फेसबुक पे लाइव आ और गा, पब्लिक पसंद करेंगे तो फिर मैं सोचूंगा। और फिर मैं सबसे पहले गाना गाई थी मिले हो तुम हमको, तो मैं चाहूंगी कि ये सॉन्ग मैं सुनाऊं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीबों के। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। नसीबों से, ये बात कितनी अक्षर सत्य है कि यह बिहार के इस दलसिंह सराय से राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए प्रतिज्ञावद्ध है और वह चाहती है कि वो गायकी के क्षेत्र में बिहार का नाम रोशन करे। पिता संघर्ष के साथ इसके रिलीज के लिए, इसके एल्बम के रिलीज के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इन्होंने बड़े कठिनता के साथ एक पहला रिलीज किया था एल्बम जिसका नाम था सोनम आइल बाबा। पटना से लाई तो चुनरिया हो चुनरिया देवी माई के चरी, पटना से लाई तो चुनरिया हो चुनरिया देवी माई के चरी। दगावे आइल बारी, दगावे आइल बारी। तो ऐसा परिस्थिति उस टाइम था कि एक एल्बम भी बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो है से हम बहुत सारे मेहनत किए, दिन रात करके ओवर टाइम करते थे ड्यूटी करके, और बेटी के लिए पैसा इकट्ठा किए, उसके बाद एक एल्बम निकाले। जो एल्बम आया था फरवरी में आया था, 21 फरवरी 2018 में आया था इसका पहला एल्बम सोनम आइल बा माई के दरबार। तो उस गीत को लोगों ने बहुत सारे प्यार आशीर्वाद दिए, बहुत पसंद किए, बोले बहुत ही अच्छा वॉइस है बच्ची का, आप सपोर्ट कीजिए, आप मेहनत करते रहिए, एक दिन जो है से सोनम बहुत बड़ा नाम करेगी। बहुत सारे लोग जो है से प्यार आशीर्वाद दिए और बोले कि आप मेहनत करते रहिए हमेशा और सोनम बहुत आगे तक जाएगी, इसका आवाज़ बहुत अच्छा है, और लोग पसंद करने लगा, ऐसे आशीर्वाद देने लगा, सपोर्ट करने लगा सभी। और जो है से मेरा एक सोच था कि आजकल जो लोग गीत गाते हैं अश्लील खराब और समाज में सबसे अच्छा नहीं होता है, तो मेरा एक सोच था कि जैसे श्रद्धा सिन्हा दीदी है, मालिनी अवस्थी दीदी है, तो उस टाइप का एक गायिका बनाना है बच्ची को, से समाज में नाम रोशन हो और अच्छे अच्छे गीत हो जो माँ बहन हमारा सब घर में सुन सकती है, एक साथ सुन सकती है। तो मेरा सोच एक ऐसा था और अश्लीलता का खिलाफ हूँ। व्यूअर्स की संख्या अगर देखनी हो तो आप इसके एल्बम में जरा सा झांकें, आप इसके यूट्यूब पर जाएं। एक ऐसा हिंदी का एल्बम जिसके लाखों व्यूअर्स हैं, 13 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स एक एक एल्बम पे हैं।
सबसे पहले एल्बम आया था ओ बेवफा रूठ के ना जा, ओ बेवफा तू रूठ के ना जा, ओ बेवफा तू रूठ के ना जा, तू छोड़ के मुझको ना जा, दिल तोड़ के मेरा ना जा, अब लौट के आ, ओ बेवफा तू रूठ के ना जा। नाम दे तबारी हथवा में पाती, पतिया में लौकत रहे मैया के झा। ये सॉन्ग मेरा सबसे पहले आया था हिंदी में। हाँ, दूसरा एल्बम आया था मेरा मुझको रुलाने वाले तुझको भी रुलाएंगे। ये सारा हिंदी का ही एल्बम है। मुझको रुलाने वाले तुझको भी रुलाएंगे हम, मुझको रुलाने वाले तुझको भी रुलाएंगे हम, तूने मुझको तड़पाया है, तूने मुझको तड़पाया है, तुझको तड़पाएंगे हम, मुझको रुलाने वाले तुझको भी रुलाएंगे हम, मुझको रुलाने वाले तुझको भी रुलाएंगे हम। भेज के खबर है बाबू जी के बोलवा दे, हमरा से सासु बात करवा दे, बाकी बात है जवन मिल हुंदा गारी, जियत ना को ना मारा जाए, पढ़ाए उसको और बेटी जो बनना चाहती है उसको बनाए और उसको आगे बढ़ाए। और इस एल्बम का नाम है मति दावा गर्भे में नरेटी। एक बेटी बोलती है अपने पापा से, कब ने कसूर पापा भईला कसाई, देखे दाखिया से बिया कैसन माई, काहे बहवा बतारा ममता के पेटी, मती दावा गर्भे में नरेटी ए पापा, मती दावा गर्भे में नरेटी। सोनम अच्छी है, बिहार के हैं, दलसिंह सराय के, समस्तीपुर जिले के। अच्छी गाती है, अच्छी बनना है उनको, अच्छी गा रही है, उनको अच्छी बनाइए। आप लोग हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो नेशनल रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन या घंटी को जरूर बजाएं। यदि यही वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।